केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दमदार बयान, कहा अगर ऐसा हुआ तो घर में घुसकर मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह FI और लेफ्ट दलों के विरोध के बावजूद कोलकाता में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले ANSG के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। अमित शाह के कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँचते ही FIR के सदस्यों ने अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। इन छात्रों ने हाथ में काले झंडे थाम रखे थे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं और पिछले 10,000 सालों में भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। हम किसी भी कीमत पर अपने देश की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश की शांति को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उनका जवाब देने के लिए NSG हमेशा तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग देश की शांति बाधित करना चाहते हैं वे लोग डर कर रहे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, अगर हमारे ऊपर ही हमला हुआ तो हम घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि यदि हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीते जाते हैं। हमारी सरकार NSG की सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगी, उन्हें हर जगह पूरी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।